नमस्कार साथियों, मैं सीताराम देतवाल जन सरोकार मंच लाइव काव्य श्रृंखला में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैं अपनी स्वरचित कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसमें आप सभी के सामने ये कविताएं प्रस्तुत हैं। इससे पहले मैं एक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, किसे क्या उपहार दूं ये समझ ना पाऊं, मुझे बता दे मेरे प्रभु क्या कसर है मेरे प्रभु, मुझे बता दे मेरे प्रभु क्या पसंद है तुझे प्रभु, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चुन लाऊं तेरे लिए। शुक्रिया। अब आपके सामने एक कविता है डाली। जैसे कि समाज में लड़कियों के साथ किए जाने वाले अत्याचार, जिसमें भ्रूण हत्या है, कन्या विवाह है, ऐसे कई लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार किए जाते हैं, उन्हीं के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है जिसका नाम है डाली। सुनिए। निकला एक पौधा अंकुर से, निकला एक पौधा अंकुर से, फूटी डाली तब तन चीर के, फूटी डाली तब तन चीर के, हरी भरी थी कमसिन, हरी भरी थी कमसिन, फिर आई जवानी, फिर आई जवानी, खिली कलियां, मुस्कुरा उठी मेघ नीर से, मुस्कुरा उठी मेघ नीर से, जो चले पवन, जो चले पवन लहराए बदन, जो चले पवन लहराए बदन, आलिंगन होता, आलिंगन होता वीर से, बसंत गया, बसंत गया बेरी पतझड़ आया, बसंत गया बेरी पतझड़ आया, सूखी कमरिया, सूखी कमरिया दे झुक गया, टूट गई पर पीर से, टूट गई पर पीर से। इसी के साथ एक और, जिसमें एक लड़की यानी जो पैदा होने से पहले अपनी माँ के गर्भ में ही, वो दुनिया में आने से पहले कुछ कहना चाह रही है कि वो इस दुनिया में आए या नहीं। सुनिए, जिसका नाम है उतरन। बड़ी मासूम सी, बड़ी मासूम सी, जैसे आंखों में कई ख्वाब बुने हो, जैसे आंखों में कई ख्वाब बुने हो, पर कभी पूरी नहीं होगी, पर कभी पूरी या मिलेगी हर बार, फटी बिवाई उलझी चोटी, फटी बिवाई चोटी, पहने मेले कपड़ों की कतरन, पहने मेले कपड़ों की कतरन, आंखें ढूंढ रही हो, आंखें ढूंढ रही हो, जीवन में, जीवन में क्या है उलझी, माँ मेरी मांग रही खाने को, मेरी मांग रही खाने को, हर बार की तरह, हर बार की तरह थोड़ी झूठन, एक खुदा पूछ रही हूँ, एक खुदा पूछ रही हूँ तुझसे प्रश्न, तुझसे प्रश्न, क्या तेरी भी हूँ मैं उतरन, क्या तेरी भी हूँ मैं उतरन। ऐसे ही एक और अजन्मी, जो अभी पैदा ही नहीं हुई,
उसी के साथ है, महफूज थी मैं, महफूज थी मैं जब तक पता ना था मेरा, जब तक पता ना था मेरा, फिर परखा गया, फिर परखा गया कि दाग हूँ या मैं दीपक, कि दाग हूँ या मैं दीपक। तब घूस दी गई, तब घूस दी गई उस जालिम को, तब घूस दी गई उस जालिम को जिसे दर्जा था रखवाले का, जिसे दर्जा था रखवाले का। चली कटार नाल पर मेरे, चली कटार नाल पर मेरे और फेंक दिया नाले में, और फेंक दिया नाले में। सोचती हूँ, सोचती हूँ क्या गुनाह किया था मैंने, सोचती हूँ क्या गुनाह किया था मैंने, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आने से मेरे, क्या हो जाएगा आने से मेरे। सेवा करती मैं बाबा की, सेवा करती मैं बाबा की और माता का हाथ बटाती, और माता का हाथ बटाती। शायद महफूज नहीं हूँ, शायद महफूज नहीं हूँ दुनिया में आने पर, शायद महफूज नहीं हूँ दुनिया में आने पर। नोच खाएंगे, नोच खाएंगे दिख जाने पर, नोच खाएंगे दिख जाने पर। महफूज थी मैं जब तक पता ना था मेरा। ये एक अजन्मी बच्ची जो अपनी माँ के पेट में ही कह रही है कि मुझे इस दुनिया में क्यों नहीं आने दिया और आने से पहले ही क्यों मुझे मरवा दिया गया। ऐसे ही एक और कविता आपके सामने इसी संदर्भ में, जिसका नाम है हूंक। आज हमारी बहु बेटियां बहनें जो शहरों की गलियों में अकेली निकलने से डर रही है, उसी पर। और क्यों डर रही है वो, उन्हें किस बात का डर है, उसी के आपके सामने हूंक। हूंक सी भर रही है, हूंक सी भर रही है शहर, हूंक सी भर रही है शहर की गलियां, दर्द से कराह रही है सांसें, दर्द से कराह रही है सांसें, जैसे मसली जा रही है, जैसे मसली जा रही है कहीं जबरन नाजुक कलियां, कहीं जबरन नाजुक कलियां। डरी सहमी सी निकलती है, डरी सहमी सी निकलती है, तब लुटेरों सी लगती हैं दीवारें, तब लुटेरों सी लगती हैं दीवारें। क्या हो गया, क्या हो गया इन शहरों को, क्या हो गया इन शहरों को, जहां लुटती असमत, जहां लुटती असमत देखती मीनारे, जहां लुटती किस्मत असमत देखती मीनारे। बेबस होकर रहती मूक, बेबस होकर रहती मूक, सिर्फ सिसकियां गूंजती हूंक, सिर्फ सिसकियां गूंजती हूंक। इसी तरह आपके सामने आज के समाज में जैसे एक संयुक्त परिवार जब बिखर जाता है और अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो वहाँ उन माँ बाप की हालत क्या होती है, उसी के बारे में आपके सामने एक कविता है जिसका नाम है सीख दरक की। यानी जो वो माँ बाप हैं वो एक दरक की तरह हमें सीख दे रहे हैं, वो कैसे देखिए। कुछ सीखा है मैंने भी, कुछ सीखा है मैंने भी दरख्तों के इन सायों से, कुछ सीखा है मैंने भी दरख्तों के इन सायों से। कभी किसी से कुछ नहीं मांगा जाने या अनजाने में, जाने या अनजाने में।
हमें सिखा दे ए जिंदगी कोई सलीका चाल बाजी का, कोई सलीका चाल बाजी का। थक सा गया हूँ देख जमाना जाल साजी का, थक सा गया हूँ देख जमाना जाल साजी का। ना साथ चला था तू किसी के, ना साथ चला था तू किसी के। हर रिश्ता मतलब का रह जाएगा, हर रिश्ता मतलब का रह जाएगा। आज देखता हूँ टूटी डाली, आज देखता हूँ टूटी डाली किस तरह बूढ़े बाप की, किस तरह बूढ़े बाप की। पूछो उस दरख्त से जिसने खोया अपने आप को, जिसने खोया अपने आप को। क्या भूल गया हर एक वो बेटा, क्या भूल गया हर एक वो बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने बूढ़े माँ बाप को। दरख्तों की छाँव में, दरख्तों की छाँव में जिसने जीना सीख लिया, दरख्तों की छाँव में जिसने जीना सीख लिया। समझो उसी ने जीवन रण क्षेत्र जीत लिया, समझो उसी ने जीवन रण क्षेत्र सीख जीत लिया। ऐसे ही आपके सामने नारी तू नारायणी यानी कि नारी की महिमा, उसके ऊपर एक कविता है जिसका शीर्षक मैंने दिया है दिया और बाती। दिया और बाती, नारी कहती है तुम दीपक हो, तुम दीपक तो मैं ज्योति हूँ, तुम दीपक तो मैं ज्योति हूँ, तुम सागर तो मैं मोती हूँ, तुम सागर तो मैं मोती हूँ। मैं बाती बन तमसे लड़ती, मैं बाती बन तमसे लड़ती। ताप सहन कर जलती मरती, ताप सहन कर जलती मरती। मुझे चीर प्यास ना अमृतव की, मुझे चीर प्यास ना अमृतव की। थोड़ी तृष्णा मन में अपनत्व की, थोड़ी तृष्णा मन में अपनत्व की। मैं कोमल हूँ कमजोर नहीं, मैं कोमल हूँ कमजोर नहीं। लोगों की नीयत से हारी हूँ, लोगों की नीयत से हारी हूँ। सहनशील हूँ, सहनशील हूँ मैं सीता सी, सहनशील हूँ मैं सीता सी। रौद्र रूप में, रौद्र रूप में दुर्गा सी, रौद्र रूप में दुर्गा सी। जग जननी कहलाती फिर भी, जग जननी कहलाती फिर भी जीवन मेरा है दुखदाई, जग जननी कहलाती फिर भी जीवन मेरा है दुखदाई। नादान है तू, नादान है तू जो समझे लाचार मुझे, नादान है तू जो समझे लाचार मुझे। बिन मेरे कौन साकार करे तुझे, बिन मेरे कौन साकार करे तुझे। मैं फूल हूँ, मैं फूल हूँ तुम उपवन हो, मैं फूल हूँ तुम उपवन हो। मेरे बिना क्या महक तुम्हारी, मेरे बिना क्या महक तुम्हारी। तुम दीपक तो मैं ज्योति हूँ, तुम सागर तो मैं मोती हूँ। यह दिया और बाती, यानी नर के बिना न नारी और न नारी के बिना नर। ऐसे ही आपके सामने एक और कविता जो घर परिवार से संबंधित, किस तरह एक संयुक्त परिवार टूटकर बिखर गया और उसका बंटवारा हो गया। आज बह रही अश्रु धारा, आज बह रही अश्रु धारा, देख मेरे घर का बंटवारा, देख मेरे घर का बंटवारा। उस बूढ़ी लाठी का नहीं कोई सहारा, उस बूढ़ी लाठी का नहीं कोई सहारा।
एक कहे माँ हमारी, एक कहे माँ हमारी, दूजा कहे बाप तुम्हारा, दूजा कहे बाप तुम्हारा। माँ बाप के आंगन का, माँ बाप के आंगन का बंटवारा हो गया, माँ बाप के आंगन का बंटवारा हो गया। हाय घर मेरा ये चार कोनों में बट गया, हाय घर ये मेरा चार कोनों में बट गया। धन बट गया घर बट गया, धन बट गया घर बट गया, घर का एक एक सामान, घर का एक एक सामान बट गया। माँ बिलखती दिन और राती, माँ बिलखती दिन और राती, आज नहीं मिल रहा हमारा कोई साथी, आज नहीं मिल रहा हमारा कोई साथी। जिनको पाला था भूखे मरमर, जिनको पाला था भूखे मरमर, मोहताज कर दिया, मोहताज कर दिया खाने को कणकण, मोहताज कर दिया खाने को कणकण। बाप बेचारा क्या करे, बाप बेचारा क्या करे जब अपना खून रहम ना करे, बाप बेचारा क्या करे जब अपना खून रहम ना करे। धरती पर ईश्वर का अवतार है ये, धरती पर ईश्वर का अवतार है ये, जीवन का आधार है ये, जीवन का आधार है ये। मत सताओ इन पुण्य जनों को, मत सताओ इन पुण्य जनों को, जिंदा रहने दो मानवता को, जिंदा रहने दो मानवता को। अब तो जीवन बेसहारा हो गया, अब तो जीवन बेसहारा हो गया। हाय हाय माँ बाप के आंगन, माँ बाप के आंगन का बंटवारा हो गया। ना रुकेगी ना रुकेगी ये अश्रुधारा, देख मेरे घर का बंटवारा, देख मेरे घर का बंटवारा। आज बह रही अश्रुधारा, देख मेरे घर का बंटवारा। ऐसे ही जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो जीवन है और उसमें जो कुछ भी घटित होने वाला है वो सब हमारे हाथों की लकीरों में लिखा हुआ है या माथे की लकीरों में लिखा हुआ है। तो ये लकीरें क्या कहती हैं, सुनिए। कुछ कहती हैं ये लकीरें, कुछ कहती हैं ये लकीरें, कुछ अपना कुछ किसी का, कुछ अपना कुछ किसी का, हाल सुनाती है, हाल सुनाती है, जीवन का राग सुनाती है, जीवन का राग सुनाती है। कुछ छुपाती कुछ बयां करती, कुछ छुपाती कुछ बयां करती, मिटा नहीं सका कोई कुछ, मिटा नहीं सका कोई इनको, मिटा नहीं सका कोई इनको। हथेली पे हो या शीश पे, हथेली पे हो या शीश पे, अपनी अपनी हो या मीत के। ऐसे ही जीवन जो अपना इम्तिहान लेता है उसी पर इस किस तरह ये हमारा जीवन अपना इम्तिहान ले रहा है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ए जिंदगी क्यों इम्तिहान लेती है, ए जिंदगी क्यों इम्तिहान लेती है, सुख कम दुख ज़्यादा देती है, सुख कम दुख ज़्यादा देती है। मंजिलों को पाने के लिए संघर्ष किया, मंजिलों को पाने के लिए संघर्ष किया, चट्टानों से टकराया, चट्टानों से टकराया, फिर भी ना रोया, फिर भी ना रोया। आते जाते तूफानों ने, आते जाते तूफानों ने घायल किया, तब जाकर ये मुकाम हासिल किया, तब जाकर ये मुकाम हासिल किया।
जवां पे जो कह नहीं पाती, जवां जो कह नहीं पाती, जवां जो कह नहीं पाती वो अश्क से भीगी पलके कह जाती है, वो अश्क से पलके कह जाती है। ए खुदा जिस्म सुपुर्दे खाक होने से पहले, ए खुदा जिस्म सुपुर्द ए खाक होने से पहले जहां को कुछ अदा कर जाऊं, जहां को कुछ अदा कर जाऊं, मत ले इम्तिहान इतना, मत ले इम्तिहान इतना कि ख्वाहिशें पूरी भी ना हो, कि ख्वाहिशें पूरी भी ना हो और मैं खत्म हो जाऊं, और मैं खत्म हो जाऊं। देखिए कैसे इम्तिहान लेती है जिंदगी। ऐसे ही हम जब लिखते हैं कुछ, तो लिखते लिखते मन में ख्याल आ जाता है कि मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं। इसी पर एक कविता है आपके सामने। मैं कविता लिखता नहीं, मैं कविता लिखता नहीं, वो मुझे ही गढ़ती है, वो मुझे ही गढ़ती है। यानी कि कविता जो हम लिखते हैं वो अपने बारे में ही हमें बताती है कि हम क्या हैं। असंख्य उद्गार उड़ते हैं, असंख्य उद्गार उड़ते हैं हृदय सागर में, असंख्य उद्गार उड़ते हैं हृदय सागर में, कभी ज्वार में तो कभी बयार में, कभी ज्वार में तो कभी बयार में। शब्दों के तंतु लयबद्ध होकर, शब्दों के तंतु लयबद्ध होकर हार बन जाते हैं, हार बन जाते हैं जैसे पुष्प पिरोकर, जैसे पुष्प पिरोकर। मुझे पता नहीं होता क्या मैं लिखूंगा, क्या मेरी अवधारणा होगी, क्या मेरी अवधारणा होगी, कभी लिख देता हूं क्षण भर में, कभी लिख देता हूं क्षण भर में, कभी सोचता हूं क्या पूरी होगी, कभी सोचता हूं क्या पूरी होगी, मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं। ऐसे ही जैसे कि वर्तमान समय में हम लोग सभी कोरोना से किस तरह घबराए हुए थे और कैसे आके कोरोना ने हम सभी को कैसे डरा दिया, तो उसी को एक नाम दिया है मैंने, गद्दार, यानी दुश्मन, धोखेबाज। उस पर एक कविता है और चीन के लिए भी। कौन है गद्दार जिसने उजाड़ दिया गुलजार, जिसने उजाड़ दिया गुलजार, वतन में होकर दाखिल, मिलने को भी ना रखा काबिल, मिलने को भी ना रखा काबिल, कौन आ गया ये बेगाना, कौन आ गया ये बेगाना, जिसका नाम छा गया कोरोना, जिसका नाम छा गया कोरोना। बनकर रह गए हम असीर, बनकर रह गए हम असीर, नहीं रहा अब कोई बशीर, नहीं रहा अब कोई बशीर, अब तो रब से यही गुहार, अब तो रब से यही गुहार, खाक हो जाए ये गद्दार, खाक हो जाए ये गद्दार, कौन है ये गद्दार, कौन है ये गद्दार। साथियों, हमारा जीवन कई मुश्किलों से घिरा हुआ होता है और हमारे जीवन में कई परेशानियां आती है जिनसे हम टकरा कर या उनका सामना कर कर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। वैसे ही एक मेहनतकश मनुष्य के लिए एक कविता है जिसका नाम है डगर, कि वो अपनी डगर पे चल के कैसे कामयाबी को हासिल करता है। सुनिए। बड़ी पथरीली और कांटों भरी डगर, बड़ी पथरीली और कांटों भरी डगर,
गांव गांव और नगर नगर, गांव गांव और नगर नगर, चलता राही जीवन पथ पर, चलता राही जीवन पथ पर, बिन सारथी बढ़ता रथ पर, बिन सारथी बढ़ता रथ पर, आशाओं के दीप जलाकर, आशाओं के दीप जलाकर, धरा को अपना लहू पिलाकर, धरा को अपना लहू पिलाकर, अडीग रहा, अडीग रहा वो अटल रहा, अडीग रहा वो अटल रहा, चंद कदमों में, चंद कदमों में नाप जग सकल रहा, चंद कदमों में नाप जग सकल रहा, सुख की चादर दुख की टाटी, सुख की चादर दुख की टाटी, श्रम से महक रही, श्रम से महक रही तन की माटी। यानी उस मेहनत में, मेहनत कस व्यक्ति की देखो कि उसकी मेहनत से उसकी तन की माटी कैसे महक रही है। जलती धूप में कर रहा बसर, जलती धूप में कर रहा बसर, फिर भी फूलों सी लगे डगर, फिर भी फूलों सी लगे डगर, बड़ी पथरीली और कांटों भरी डगर, गांव गांव और नगर नगर। अब आपके सामने गांव की एक पणिहारी जो पनघड़ पे पानी लेने जाती है, उस समय के उसके सौंदर्य का वर्णन आपके सामने किया जा रहा है कि वो किस तरह दिख रही है और उसका सौंदर्य कैसे दमक रहा है। पणिहारी, छलक रही गगरी, छलक रही गगरी, मचले कमल लहरी, मचले कमर लहरी, पायल की धुन तान बनाती, पायल की धुन तान बनाती, पदचाप, पदचाप से ताल बजाती, पदचाप से ताल बजाती, कण फूल झूमर हैं उसके, कण फूल झूमर हैं उसके, चूड़ी झांझर बनके छनके, चूड़ी झांझर बनके छनके, अधरों, अधरों से संगीत बरसाती, अधरों से संगीत बरसाती, चली जा रही, चली जा रही वो पणिहारी, चली जा रही वो पणिहारी, छलक रही गगरी मचले कमर लहरी। ऐसे ही आपके सामने एक देशभक्ति कविता जिसमें देश के लिए, यानी कि हमारा जो वर्तमान समय में देश है वो कैसे लूट रहा है और देश को कैसे लूटा जा रहा है, उसी पर एक कविता आपके सामने प्रस्तुत है। लुटता भारत, लुटता भारत, लुट रहा भारत ये मेरा, लुट रहा भारत ये मेरा, दिखता चारों ओर अंधेरा, दिखता चारों ओर अंधेरा, भ्रष्टाचार कूटनीति, भ्रष्टाचार कूटनीति, सांस ले रहे भरभर, सांस ले रहे भरभर, बेरोजगारी और गरीबी, बेरोजगारी और गरीबी, फैल रही घर घर, फैल रही घर घर, लाखों ने स्वप्न देखा था ऐसा, लाखों ने स्वप्न देखा था ऐसा, स्वतंत्र होकर भारत होगा ऐसा, स्वतंत्र होकर भारत होगा ऐसा, हर घर में खुशहाली हो, हर घर में खुशहाली हो, खेती और हरियाली हो, खेती और हरियाली हो, मानव मानव से प्रेम करे, मानव मानव से प्रेम करे, दानवता से परे रहे, दानवता से परे रहे, आतंक का साया छाया है, आतंक का साया छाया है, देख भारत मेरा घबराया है, देख भारत मेरा घबराया है, लुट रहा भारत ये मेरा, दिखता चारों ओर अंधेरा। ऐसे ही
देश के लूटने के बाद कैसे मेरा देश बीमार हो गया। देश तो लूट गया, अब उसके बाद देश कैसे बीमार हो रहा है वो सुनिए। देश मेरा बीमार है, फैली भूखमरी भ्रष्टाचार है, फैली भूखमरी भ्रष्टाचार है, खून चूसते जनता का मारा मारी और अत्याचार है, मारा मारी और अत्याचार है। महाजन और धनी बन मारे गरीब के पेट पर लात है, मारे गरीब के पेट पर लात है। महंगाई गरीबों की दुश्मन बन, बेरोजगारी पैर पसार है, बेरोजगारी पैर पसार है। भ्रष्टाचारी मौज मनाए, धरती माँ की कोख लग जाए। नेता और पूंजी वर्ग का जोड़ हुआ, नेता और पूंजी वर्ग का जोड़ हुआ, देश को मेरे कोड़ हुआ। क्या हुआ? देश को मेरे कोड़ हुआ। ये मूल्यों के व्यापारी कर देंगे देश को नीलाम, ये मूल्यों के व्यापारी कर देंगे देश को नीलाम। धरती माँ का सौदा कर लगा देंगे जनता पर ही इल्जाम, लगा देंगे जनता पर ही इल्जाम। देश मेरा बीमार। ऐसे ही इतना सब कुछ होने के बाद जो जनता है वो फिर भी मौन रहती है, जनता मौन रहती है, कुछ नहीं बोलती। उसका ना तो उसका कोई विरोध करने वाला होता है, चुपचाप उसको सहन करते रहते हैं। मौन क्यों चुप रह जाते हैं, क्यों चुप रह जाते हैं? जहां जवां खोलनी होती वहां हम रहते मौन, वहां हम रहते मौन। खुली चर्चा अभिनेता पर, किसे पता सरहद पर शहीद हुआ है कौन, किसे पता सरहद पर शहीद हुआ है कौन। खूब खर्च करते फैशन पर, तंग हो जाती जेब जरूरतमंद को देने पर, तंग हो जाती जेब जरूरतमंद को देने पर। अब सुनिए कितनी शानदार लाइन है। रेशम से हो खता तो किसे क्या पता, फटी चादर की खता सुर्खियां बन जाती। क्या रखा है ऐसे समाज में जीने से, क्या रखा है ऐसे समाज में जीने से। गुनाहों के समाज में क्या न्याय मिलेगा, गुनाहों के समाज में क्या न्याय मिलेगा। चुप रहने से क्या इंसाफ मिलेगा, चुप रहने से क्या इंसाफ मिलेगा। क्यों चुप रह जाते हैं? अब है कि जब हम कभी उदास हो जाते हैं और उदास होने के बाद हमारे मन में क्या-क्या ख्याल आते हैं, उस बात के ऊपर आपके सामने एक कविता है, उदास। ना जाने क्या चाहता है ये मनवास, ना जाने क्या चाहता है ये मनवास। सोचता हूँ खुश रहूं फिर भी हो जाता हूं उदास, फिर भी हो जाता हूं उदास। दिल ने कहा फूल मिलेंगे बाहों में, लिखा था किस्मत में
लिखा था किस्मत में शूल मिलेंगे राहों में, शूल मिलेंगे राहों में। कभी किसी का बुरा ना माना, कभी किसी का बुरा ना माना, सबको लगा गले, सबको लगा गले अपना ही जाना। यूं ही उदासी में क्या जिंदगी कट जाएगी, यूं ही उदासी में क्या जिंदगी कट जाएगी। हसरत खुश रहने की यूं ही मिट जाएगी, हसरत खुश रहने की यूं ही मिट जाएगी। अश्क है जहां में, अश्क है जहां में डूब जाता हूं, ख्वाहिशें तमाम भूल जाता हूँ, ख्वाहिशें तमाम भूल जाता हूँ। शायद कसूर मेरा ही है, शायद कसूर मेरा ही है। ना आई कोई खुशी रास, ना आई कोई खुशी रास, इसलिए रहता हूँ मैं हर वक्त उदास, इसलिए रहता हूँ मैं हर वक्त उदास। न जाने क्या चाहता है ये मनवास। ऐसे ही अब उदासी के साथ खुशी की जो किरण हमारे सामने आ रही है वो है भोर की किरण। सवेरा होते ही किस तरह का माहौल हमें दिखाई देता है, प्रकृति की जो छटा है वो कैसे हमारे सामने दिखाई देती है। भोर की इस वेला में, भोर की इस वेला में दमक उठा आंगन मेला रे, दमक उठा आंगन मेला रे। योद्धा एक चला रहा तरकश से, योद्धा एक चला रहा तरकश से, तीर अनेक धरा के दामन में, तीर अनेक धरा के दामन में। जो जीवन का है पाठ पढ़ाती, जो जीवन का है पाठ पढ़ाती, कर्म की राह चल दिन और राती, कर्म की राह चल दिन और राती। कूक उठी अब कोयल काली, कूक उठी अब कोयल काली, छा रही चहूं और भोर की लाली, छा रही चहूं और भोर की लाली। भोर की इस वेला में दमक उठा आंगन मेला रे। अब ऐसे ही हमारे एक साथी, उन्होंने मुझे एक बार एक कहानी भेजी थी जिसको मैंने पढ़कर उस पर एक कविता की रचना की। किस तरह एक पहाड़ और एक चिड़िया दोनों के बीच जो प्रेम पनपा, और उस प्रेम के पनपने के बाद उन्होंने अपना किस तरह आशियाना एक जगह ही बना लिया, उसके ऊपर है एक कविता जिसका नाम है अनूठा प्रेम। मानव मानव का प्रेम तो देखा है, लेकिन प्रकृति का और जीव का एक दूसरे के प्रति प्रेम देखिए। तन्हा था वीरान सी इस धरा पर, तन्हा था वीरान सी इस धरा पर, सखा रहे शशि और दिनकर, सखा रहे शशि और दिनकर। ना मर्म पता था कोमलता का, ना मर्म पता था कोमलता का, ना किसी की चंचलता का, ना किसी की चंचलता का। यानी कि जो पहाड़ है वो किस तरह वीरान सा रहा, और वो प्रकृति के किसी भी प्रकार के प्रेम से किस तरह यानी कि अलग रहा, उसके लिए बताया गया है कि उसे ना किसी की चंचलता का पता था ना किसी की कोमलता का। फिर एक रोज खुशी जो आई, खुशी यानी एक चिड़िया जिसका नाम यानी कि खुशी है, वो एक दिन उस पहाड़ पर आई। अंग अंग ने ली अंगड़ाई, अंग अंग ने ली अंगड़ाई, स्पर्श तुम्हारे कोमल पर का, पर का यानी पंखों का, उस चिड़िया के पंखों का स्पर्श पाते ही जीने की चाह हृदय में भरता, जीने की चाह हृदय में भरता। रहो हमेशा डाल यहां डेरा, रहो हमेशा डाल यहां डेरा। फिर चिड़िया कहती है अभी नहीं रहूंगी, अभी नहीं करूंगी, अभी नहीं करूंगी यहां बसेरा,
अभी नहीं करूंगी, यहां बसेरा, बसंत के आने पर आऊंगी, बसंत के आने पर आऊंगी गीत सुनाने को, बसंत के आने पर आऊंगी गीत सुनाने को, हर बार आती आस लगाए, हर बार आती आस लगाए, बीज नया उगाने को, बीज नया उगाने को, बिछों में बह रही अश्रुधारा, बिछों में बह रही अश्रुधारा, खिला रही एक उपवन न्यारा, खिला रही एक उपवन, लेकर आई एक तिनका प्यारा, लेकर आई एक तिनका, और फिर कहती है अब यही बनेगा आशियाना हमारा, अब यही बनेगा आशियाना हमारा। देखिए अब दोनों के बीच में प्रेम जो पनपा, दोनों ने अपना आशियाना एक ही जगह बना लिया। आगे एक है नींद। नींद, नदी सी बह रही थी नींद में, नदी सी बह रही थी नींद में, शांत सी कलरव करती, शांत सी कलरव करती, घिरी थी तारों की छाँव में, घिरी थी तारों की छाँव में, जुगनू चमक रहे थे मेरी नाव में, जुगनू चमक रहे थे मेरी नाव में, ओस की बूंदे शीतल करती, ओस की बूंदे शीतल करती काया, क्या अखियन पर कुदरत की छाई माया, क्या अखियन पर कुदरत की छाई माया, कुछ ख्याल चित में जागे, कुछ ख्याल चित में जागे, सब मिथ्या है, सब मिथ्या है स्वप्न के आगे, सब मिथ्या है स्वप्न के आगे, अंतोगत्वा, अंतोगत्वा, सरिता सागर में मिल गई, सरिता सागर में मिल गई, भ्रम टूटा सारा, भ्रम टूटा सारा, नींद से मैं जग गई, नींद से मैं जग गई। धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस लाइव काव्य श्रृंखला के प्रोग्राम में जुड़कर अपना कीमती समय बिताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी कविताएं कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर देवें। ऐसे ही राम अवतार जी, राम किशन जी, राजेंद्र जी, नरेंद्र जी और हमारे जन सरोकार मंच के आयोजक श्री देवेंद्र जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस मंच पर आने के लिए हमें प्रोत्साहित किया। और यहाँ जो मैं आज आपके सामने बैठा हूँ वो इन्हीं की वजह से हूँ, इन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया। नरेंद्र जी सर जी ने भी, यानी कि जो मैं कविताएं लिख रहा था पहले वो रुक सी गई थी, उन्हें वापस पटरी पर लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। धन्यवाद।